परिणाम और विवर्त में क्या अंतर है, एक प्रश्न, और परिणाम और विवर्त के उदाहरण मुझे दे दीजिए। संवित प्रकाश में भी यही बात कही गई है, निर्मल बोधिक परमार्थ में विवर्त और परिणाम दोनों से ही देह परिग्रह की सिद्धि हो सकती है। परमार्थ अच्युत है, विवर्त में वैसा न होकर भी वैसा भासता है, परिणाम में भी वही है जैसे कुंडल में सुवर्ण। कि वेदांती परिणामवाद को नहीं मानता है, वो विवर्तवाद को मानता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लो। बाकी लोग जो हैं वो परिणामवाद को मानते होंगे, लेकिन हम जो हमारा मूल सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत है, क्योंकि वेदांत में भी कई सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा मुख्य सिद्धांत है मोक्ष के लिए, उसमें हम विवर्तवाद मानते हैं, परिणामवाद नहीं मानते। परिणाम का मतलब है कि दूध से दही बन गई, दूध से दही बन गई। अब तुम पलट के उसको दही को दूध बना ही नहीं सकते। बना सकते हो कभी? नहीं बन सकती। ये परिणामवाद है, इसका परिणाम हो गया, ये अब इसे बनने वाली नहीं है वापस लौट के। लेकिन विवर्तवाद क्या है? विवर्तवाद ये है कि कोई परिणाम, कोई ऐसा बदला नहीं है, केवल दिख मात्र रहा है। यानी हमारे अज्ञान की भ्रांति से, ज्ञान ज्ञान में हमारे भ्रांति है, अज्ञान से हमें जो जैसा नहीं है वो वैसा दिख रहा है। बदला कुछ भी नहीं है, केवल हमारे अज्ञान के कारण हमें वैसा दिख रहा है, ये विवर्तवाद है। तो ब्रह्म से ये जगत हो गया या ईश्वर से जगत हो गया, ये परिणामवाद वाली बात हो गई ना। ये तो फिर बदल गया है तो पूरा, फिर कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? एक बार अविद्या आ गई फिर तो वो परिणाम परिणामी तरीके से आ गई, फिर उसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकते ना, तुम खत्म कर ही नहीं सकते ना। लेकिन यदि वो विवर्त है, यानी कि वो केवल दिख ऐसा रहा है, विवर्त को कैसे करोगे? विपरीत वर्तन हो रहा है केवल उसका, विपरीत दिख रहा है उसका, केवल है नहीं वो, ठीक है, सदा दिख रहा है। तो वो तो तुम्हारे दृष्टि की सुस्पष्टता से, ज्ञान की सुस्पष्टता से ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता? यदि हम भूल से अपने को एक गलत वो मान बैठे हो, तो वो भूल दूर होगी तो हमारे दूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन यदि वास्तव में वो चीज गलत हो तो उसको आप दूर कैसे करोगे? वो दूर नहीं हो सकती। इसलिए हम विवर्तवाद को ही स्वीकारते हैं वेदांति, परिणामवाद को नहीं स्वीकारेंगे। परिणामवाद स्वीकार लेंगे तो हमारे तो सिद्धांत की अपहानि हो जाएगी, फिर हम कैसे, मोक्ष हमारा कैसे सिद्ध होगा? फिर ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति हमारा सिद्ध कैसे होगा? क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति का तो सिद्धांत यही है ना कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। तो यदि ब्रह्म हम पहले नहीं थे, यानी अब जानने से कुछ परिणाम हो जाए, तो ब्रह्म हम कैसे हो जाएंगे? यानी हम पहले ही ब्रह्म थे, केवल विवर्तवाद से हम खाली ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, आगे तो जहां देखते हैं वहां उसको सुख दुख मोह स्पंद निस्पंद आदि गुणों से आवृत्त ही देखते हैं। इस आक्षेप का समाधान यह है, ये सुख दुखादि ज्ञेय होने के कारण स्वयं सत्ता शून्य है, ज्ञाता के आश्रय से ही इन्हें प्रतिष्ठा सी प्राप्त होती है। ये थोड़ा फिर से पढ़ो, ये बात ऐसी गुजर गई, फिर से लाने दो, क्या कहना चाह रहे हैं? अब प्रश्न यह है कि ऐसा तत्व निरावरण कैसे हो? हम तो जहाँ देखते हैं वहाँ उसको सुख दुख मोह स्पंद निस्पंद आदि गुणों से आवृत्त ही देखते हैं। अच्छा, सोपाधिक ब्रह्म देखते हैं ना हम लोग, तो निरुपाधिक तक दृष्टि नहीं जाती ना हमारी। जैसे हम मूल सत्ता नहीं देख पाते, जैसे पर्दे पे हम केवल चित्र देख पाते हैं लेकिन मूल पर्दा नहीं देख पाते ना सिनेमा घर में। हमेशा ऐसी दिखता है हमें, कोई कहने लगे जैसे बार बार वो स्वामी जी इस बात का उदाहरण देते हैं, ऐसी होती है दृष्टांत, तो उदाहरण तो गुरु परंपरा से प्राप्त होते हैं, तो वो महात्मा लोग देते रहते हैं। तो उसमें कोई स्वतंत्र किसी का नहीं होता, कोई होता है कोई नहीं। वो कहते हैं ना कि किसी ने कहा कि पिताजी मुझे पर्दा दिखा दो सिनेमा घर का, बोले चल बेटे दिखाने ले चलता हूँ, तो दिखाने लेके चले पर्दा। अब सिनेमा हॉल में बैठ गए, अब वो पर्दा कैसे दिखाएं वो, क्योंकि सिनेमा हॉल जब वो लाइट पड़ती है पर्दा तभी दिखेगा, बिना रोशनी के पर्दा दिखता भी नहीं है वहाँ। अब वो जब पर्दा दिखेगा तो उस पर सीन दिख रहे, बोले पर्दा कहाँ है तो सीन है। तो हमेशा हमें सोपाधिक देखने की जो आदत बन गई है, उससे हमें सोपाधिक ब्रह्म ही दिखता है, निरुपाधिक पकड़ नहीं आता कई बार। तो उसी बात को कह रहे हो, क्या कह रहे? ये सुख दुखादि ज्ञेय होने के, नहीं, इसका आक्षेप का समाधान यह है,
ये सुख दुखादि ज्ञेय होने के कारण स्वयं सत्ता शून्य है। ज्ञाता के आश्रय से ही इन्हें प्रतिष्ठा से प्राप्त होती है। जिनकी बुद्धि अप्रबुद्ध है वे अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप का परित्याग करके कामनावश अहंभाव से तादात्म्यापन्न हो जाते हैं। तादात्म्यापन्न हो जाते हैं और अपने अनंत स्वरूप को संकुचित छोटा कर देते हैं और यह संकोच केवल अविद्याकृत है। निस्संविद स्वरूप तो अद्वितीय ही है। अतः स्वरूप स्थित महापुरुषों को यह भ्रम नहीं होता। आगे चलकर यह बात स्पष्ट हो जाएगी। धातु समीक्षा में कहा गया है यह अविद्या शबल आत्मा ही प्रमेय के रूप में स्थित है। अर्थात दृष्टा और दृश्य का भेद सच्चा नहीं है। तो बात है ना, सच्चा होता तो फिर दूर नहीं हो सकता था ना। ये बहुत मतलब बारीक कॉन्सेप्ट है कि यदि वास्तव में ये भेद सच होता ना, ये कभी किसी को ज्ञान हो ही नहीं सकता था। यदि दृष्टा और दृश्य का जो भेद दिख पड़ रहा है ना, यदि इसमें कोई दम होता ना तो ये कभी दूर होता ही नहीं, तो दमदार चीज थी। लेकिन हमसे बड़ों का हुआ है, शास्त्र प्रमाण है इसमें, तो उसका मतलब ये भेद केवल कल्पित है, बस नकली है, बस कोशिश करो हट जाएगा। अविद्या शबलित आत्मा ने अपने निज स्वरूप को ग्रहण नहीं किया। अविद्या स्वयं अनित है, असत्य है। अविद्या स्वयं अनित है, अनृत होता है ना, मतलब झूठे को अनृत बोलते हैं ना। अच्छा, असत्य है, मिथ्या को अनृत भी बोलते हैं ना। अनृतम वो है ना, दस शांति मंत्रों में है ना, एक क्या है याद है? हाँ, अनृत शब्द तो कहीं आता है। चलो, बहुत जगह अनृत वस्तु नहीं होती। अवस्तु वस्तु का नाश या विकार नहीं कर सकती। अंधकार से आच्छादित होने पर भी रज्जु खंड में कोई विकार नहीं होता और न तो नाश ही होता है। इसी प्रकार अविद्या से आत्मा में कोई विकार या नाश नहीं होता। अतः इस ज्ञान रूप परमात्मा में न स्वतः बंधन है न परतः। अज्ञात से ही यह बद्ध जान पड़ता है और अज्ञान मिट जाने पर मुक्त तो पहले से ही है। तत्व युक्ति में कहा गया कि संसार के प्राणी जिन जिन भयंकर कर्मों से बंधते हैं वे भी मुक्ति के उपाय ही हैं, किंतु मूर्खतावश वे उसी से भवबंधन से मुक्त नहीं हो जाते। कुल युक्ति में भी कहा गया है कि पतन और अभ्युत्थान दोनों का एक ही कारण है। अज्ञानी जिससे बंधता है, ज्ञानी उससे मुक्त होता है। उत्पालाचार्य का कहना है कि जिन कारणों से मूर्ख दुखी होता है उन्हीं से प्रज्ञावान दुख पार हो जाता है। लोहे का गोला पानी में डूब जाता है और उसी का पात्र बना दें तो तैरने लगता है। गीता में भी स्पष्ट कहा गया है कि जिसमें सारी कामनाओं का प्रवेश हो जाता है, एक ही साधन या एक ही घटना अनेकों लोगों के लिए अनेकों प्रकार से घट जाती है। जो चीज किसी को बांध सकती है वही चीज किसी को मुक्त भी कर सकती है। प्रसिद्ध कहानी है लाला बाबू की कि एक वो अलग अलग महात्मा उसको अलग अलग प्रकार सुनाते। वो साधक जिज्ञासु था, रोज विचार करता था कि मैं केवल भजन करूं, निर्णय नहीं ले पाता था। ये संत के जीवन की घटना है। सड़क पे खड़ा था एक दिन, कूड़े वाली कूड़ा साफ कर रही थी। उसने बस इतना ही बोला उसको, उसने तो कूड़ा साफ करने के दृष्टिकोण से बोला, सड़क की सफाई करने के दृष्टिकोण से बोला, लेकिन किसी भी चीज को सार्थक रूप से घटाया जा सकता है, अपने जीवन की उन्नति के लिए घटाया जा सकता है। मूर्ख जिससे बंधन में आता है, बुद्धिमान प्रज्ञा पुरुष उसी से जो है मुक्ति प्राप्त करता है। उसने बोला कि एक तरफ हो जा। उसने सोचा देखो मुझे भंगन भगवान आए हैं, भंगन के रूप में ज्ञान दे रहे हैं कि बहुत हो गया, अब एक तरफ हो जा। अब वो प्रज्ञावान थे तो एक तरफ हो गए, बहुत अच्छे संत हो गए। यदि कोई साधारण व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति होता तो हो सकता है एक तो उसे गाली सुनाता, और गाली ना भी सुनाता तो उसका एक सामान्य अर्थ ये लेता कि एक तरफ हो जा मतलब ये तो झाड़ू लगाने के लिए एक तरफ कह रही है,
तो वचन वही है, वचन वही है, प्रज्ञावान उसका कैसे अर्थ ले। किसी के पास कोई व्यक्ति आ जाए और वो व्यक्ति आपके साथ कोई एबनॉर्मल बिहेव करे, को जो व्यक्ति गलत दृष्टिकोण वाला होगा वो उसको सोचेगा अरे ये तो ऐसा कर रहा है, ये व्यक्ति गलत है। और दूसरा इसमें एक दृष्टिकोण ये हो सकता है कि ईश्वर ने ऐसी कोई लीला, ईश्वर ने ऐसी कोई क्या लीला कर रहा है ईश्वर, मतलब उसकी दृष्टि ईश्वर की तरफ चली गई, माया शक्ति की तरफ चली गई। अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। तुलसीदास जी के जीवन में एक स्त्री से इतना प्रेम था और वो स्त्री ने उनको दो बात सुना दी तो वो अपने मार्ग पर चले गए। और ऐसे तो लोगों को पति को पत्नी, पत्नी को पति कितनी सारी बातें सुनाने रहते हैं, कौन अपने मार्ग पर जाते हैं। बेटे बेटी सब उल्टा सीधा हमें सुनाते हैं, ना हमारे अनुसार व्यवहार करते हैं, वो कभी नहीं करते। गुरु के अनुसार भी शिष्य व्यवहार नहीं करते। आप जिनको पालन पोषण करो, आपके पुत्र आपके पुत्री या फिर गुरु के बेटे बेटी हो गए, शिष्य हो गए, तो दोनों ही दृष्टि में देख लो, आप ये तो ग्रस्त हैं या तो आप साधक हैं। आप किसी को चम्मच से खिलाओ, बच्चा छोटा होता है तो चम्मच से खिलाते हैं, छोटे छोटे को बड़ा करते हैं, वो एक दिन कभी भी झटका दे देता है आपको। शिष्यों का भी होता है, शिष्यों को आप पालित करो पोषित करो, छोटा 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 उनको दे के बड़ा करो, खूब बड़ा करो, एक दिन वो जरूरी नहीं है कि वो आपको वो कर देंगे। लेकिन इसमें फिर गुरु का और विवेकी का दृष्टिकोण खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बात वही चली है कि प्रज्ञावान पुरुष उसको कैसे लेगा। अब यहाँ जो ज्ञानवान होंगे गुरु, जो विवेकी होंगे, वो विवेक करेंगे कि ये संसार ऐसा ही है, इसमें राग करने जैसा कुछ नहीं है, इसमें द्वेष करने जैसा कुछ नहीं है, इसमें कर्तव्य मात्र ये जगत चल रहा है और जैसे चल रहा है तैसे चल रहा है, इसमें अत्यधिक कुछ करने जैसा नहीं है, अपने भजन में लीन रहो, अपने उसमें लीन रहो। तो घटनाएं सब वही हैं, वचन सब वही हैं, लेकिन वो पंक्ति क्या है फिर से पढ़ दो। उत्पालाचार्य का कहना है कि जिन कारणों से मूर्ख दुखी होता है उन्हीं से प्रज्ञावान दुख पार हो जाता है। लोहे का गोला पानी में डूब जाता है और उसी का पात्र बना दे तो तैरने लगता है। घटना वही है, सब कुछ वही है, साधन वही है, लेकिन केवल दृष्टिकोण बदला, सोचने का ढंग बदला, करने का ढंग बदला, तो पूरी चीजें बदल गई, पूरी सृष्टि बदल गई, सब कुछ बदल गया। गीता में भी स्पष्ट कहा गया है कि जिसमें सारी कामनाओं का प्रवेश हो जाता है उसी को शांति मिलती है, काम कामी को नहीं। अध्याय 2:70 श्लोक। इससे मुझे प्रश्न किया एक व्यक्ति ने, महात्मा ही है, वो वानप्रस्थी है, कहने लगे कि क्या संन्यास लेना आवश्यक है मोक्ष के लिए। हमने कहा संन्यास मोक्ष के लिए आवश्यक है या नहीं है, प्रश्न ये है ही नहीं बिल्कुल भी। प्रश्न ये है कि आप मोक्ष के लिए मोक्ष से भिन्न क्या क्या त्याग सकते हो, क्या ब्रह्मात्मा के बोध से भिन्न इस जगत में कुछ और आपको प्रिय है, कोई कामना है। आप संन्यास के वेश की बात मत करो मेरे सामने, संन्यास की दीक्षा की बात मेरे सामने मत करो, वो एक विधि है, उस विधि की बात हम नहीं कर रहे। क्या आप ब्रह्मात्मिक बोध के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म इतर कुछ और कामना रखते हैं? यदि रखते हैं तो वो गलत है, आपको बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। आप मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, क्योंकि ये बात तो प्रमाणित है, गुरुजनों के द्वारा प्रमाणित है, शास्त्र स्पष्ट कह रहे हैं, कोई भी ब्रह्म से भिन्न आपको कामना है तो संन्यास का मतलब होता है कि अब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, बस अब मैं सब देख चुका हूं, अथा माने अनंतर, मतलब सब चीजें हो चुकी, घट चुकी मेरे जीवन में, अब सब चीजों के अनंतर मैं केवल ब्रह्म जिज्ञासा करता हूं, ये जब स्थिति बनती है तब संन्यास घटता है, वो पक्का संन्यास है। और ऐसे यदि आप इस वेश को कहते हो तो बहुत लोग संन्यासी घूमते हैं, वो बात नहीं है यहां पर। जब आपके अंदर ये गूंज हो उठे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब मुझे ब्रह्म ही चाहिए, अब सब कुछ देख चुका, सब कुछ देखने के अनंतर मुझे ब्रह्म ही चाहिए, तब आपका संन्यास घटेगा, कोई और कामना नहीं होगी, फिर आपकी जो है ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। बोलो आगे
क्या कहता है शास्त्र? काम कामी को नहीं, इससे भी पहले राग द्वेष रहित इंद्रियों से किए गए भोग को प्रसाद का साधन कहा गया है। गीता दूसरा अध्याय 64वां श्लोक। एक महात्मा का वचन है, जो परमार्थ ज्ञानी आत्मभाव का परित्याग किए बिना विषयों पर अनुग्रह करते हैं, वे ही जीवन मुक्त हैं। विषय आत्मा के ही स्पंद हैं, जैसे नट अन्य रूप में प्रतीत हो। चित शक्ति संस्तुति में योगीनाथ ने कहा है कि शक्ति की प्रवृत्ति और निवृत्ति से ही उदय और प्रलय होते हैं, अतः ये सब शक्ति के ही स्पंद हैं। सादृश्य न होने पर भी ये ठीक वैसे ही हैं जैसे अग्नि से धुएं का निकलना, आकाश में नाना आकृतियों का दिखना। अद्वैत परमात्मा में यह द्वैत रूपा सृष्टि वैसी ही है। सूर्योदय के पूर्व नाक से पानी निकलने लगता है, साकार और सूर्योदय होने पर वह शांत हो जाता है निराकार। सूर्योदय के पूर्व नाक से पानी निकलने लगता है उसको कहा साकार, और सूर्योदय होने पर वह शांत हो जाता है उसको कहा निराकार। अब इसी विषय पर विचार प्रारंभ करते हैं, क्योंकि शास्त्र का प्रयोजन है उपाय और उपाय का प्रतिपादन। उसके ज्ञान से उपाय स्वरूप की अनुभूति स्थिर हो जाती है। यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि यह दर्शन स्वतंत्र उपाय है। उपाय कह लो, साधन साध्य कह लो। उपाय मतलब साधन, उपाय मतलब साध्य। यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि यह दर्शन स्वतंत्र है और इससे अद्वैत प्रतिपादक शास्त्रों की संगति में कहीं बाधा नहीं पड़ती। विमर्श स्वरूप स्पंद भूमि पर आरूढ़ हो जाने पर पश्यंती आदि के क्रम से वाणी की उत्पत्ति होती है, और संवित प्रकाश के अनुसार वह वाणी ही विश्व का उदय विलय करती है, कार्यानुरूप नाम धारण करती है और चराचर की विचित्र जीवन यात्रा का निर्वाह करती है। प्रणयन और संकोच दोनों उसी के रूप हैं। इन्हीं में नाम रूप तथा व्यवहार का निर्वाह निवास करता है। यदि इस शक्ति की सत्ता स्वीकार ना करें तो किसी वादी की ही सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि वाद का प्रकाशक भी यही है। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा में इसको आदि सिद्धि कहा गया है। यह अपना आत्मा आदि सिद्ध ज्ञाता कर्ता एवं महेश्वर है। कोई भी चेतन पुरुष इसका निषेध अथवा सिद्ध करने के लिए अपेक्षित नहीं है। जिससे सब सिद्ध होता है वही आत्मा है। सबका निषेध करने पर जो शेष रह जाता है वही तो आत्मा है। इसी तो अब इसमें ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रकाशक की ओर दृष्टि डालने वाली, ये प्रकाशक की ओर दृष्टि डालने वाली है। ये आपकी कठोपनिषद में आई, प्रकाशक की ओर केनोपनिषद में आई। प्रकाशक की ओर दृष्टि जानी चाहिए ना आपकी, और कुछ भी नहीं। आप जो जहां से सब कुछ प्रकाश रहा है बाकी सबका निषेध करते जाओ। ये साधन हुएमाई का जो साधन है, ये जो रमण महर्षि जी का साधन है, वो यही तो साधन है। अब उसमें वो उनका एक शिष्य था, वो गायत्री जप बहुत करता था, तो बोला मैं पुरुष चरण करना चाहता हूँ। बोले हाँ कर। अब वो केवल अद्वैत की बात करते थे, और ये अभी थोड़ा द्वैत की बात करता था, तो उन्होंने इसकी मान्यता ऐसे नहीं टूटेगी, कर। तो गुफा में बैठ के गायत्री मंत्र का जप करता रहा। तो उन्होंने उससे प्रश्न किया कि तू जप करता है तो कौन करता है? तो उसने कहा मैं ही करता हूँ। बोले किसके द्वारा करता है? कि जिह्वा के द्वारा करता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने प्रसंग से और स्टेप बाय स्टेप उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा ये क्या करता है, ये कौन करता है, ये कौन करता है? उन्होंने कहा निषेध करता चला जा। हुएमाई का मतलब क्या है? व्यक्ति बैठेगा, मैं कौन हूं का लेकर, कितने महात्मा प्रैक्टिस करते हैं त्रिवन्नामलाई में। मुझे कई महात्मा उस समय मिले जब मैं त्रिवन्नामलाई रमण महर्षि जी आश्रम में गया, तो वो कई महात्मा प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो? क्या है वो? अपनी उपनिषदों का ही तो मार्ग है, वो कोई अलग से मार्ग नहीं है। कि आप जो है सारी चीजों का निषेध करते, बोले मैं कौन हूं, तो व्यक्ति सामान्य रूप से जो उसका नाम पड़ गया है उसके बारे में सोचेगा। तो मेरा नाम अमुक अमुक भाई है, अमुक अमुक बहन है, मतलब या तो फीमेल होगा या मेल होगा। अमुक अमुक सिंह हूँ, अमुक अमुक शर्मा हूँ, देवदत्तो अहम, यज्ञदत्तो अहम, यही सब बोलेगा वो, मैं यही सब हूँ।
ऐसे बोलेगा देवदत्त तो है। अब देवदत्त से या यज्ञदत्त से या कुछ भी उसके आज के नाम होंगे, गुप्ता जी, अरोड़ा जी, शर्मा जी, वर्मा जी, कुछ भी हो सकते हैं। अब वो नाम वो बोलेगा कि यही मैंने सुना है, बोले ये मैं हूं। फिर उससे बोले ये तू है, यदि ये तू है तो ये तो शरीर के साथ चलता है और इसके पहले भी तू था, और ये तो जो तू है इस चीज को जो तू कह रहा है आइडेंटिटी, ये तो चार्वाक दर्शन है, तो शरीर को मैं मान रहा है, तो शरीर का ही तो ये नाम रखा हुआ है, इसको तो तू जान रहा है ना, ये तू है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इस प्रकार वो कहेगा कि शरीर चलो मैं नहीं हूं, फिर वो मन बुद्धि पे आएगा, फिर आत्मा पे आएगा, तो सबका निषेध होते होते वो वहीं स्थिर हो जाएगा। चलो।